और जैसे भी होगा आपको बताते रहेंगे एक एक करके, और साथ में ना मेरे को भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे कैसे हम ना कैसे कैसे श्रीनगर जा रहे हैं। देखो मैं जाने को ना अपनी व्हीकल पे भी जा सकता था, थोड़े पैसे और खर्च करता तो उड़ के भी चला जाता वन शॉट में, बट यार उन सब चीज़ों का ना ये वाला मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसे बैग उठा के कभी बस पकड़ रहा हूँ, कभी ट्रेन पकड़ रहा हूँ, फिर दोबारा से बस पकड़ ली, कभी ऑटो पकड़ लिया, मतलब अभी आगे एक ट्रेन और पकड़ेंगे तो उसके अंदर और मज़ा आएगा। यहाँ से मैंने जम्मू वाली सिम डलवा ली अपने मोबाइल के अंदर, सो देट कि यार हम ना नेटवर्क के अंदर रह सकें, स्टोरियाँ वटोरियाँ डाल लेंगे, स्नैपचैट चला लेंगे। तो हाथ जो है ना पूरे बर्फ वाले जम रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ ना वहाँ पक्का मेरे को स्नोफॉल मिलने वाली है। भाई वो देखो सामने देखो माउंटेन्स में तो स्नो ही स्नो है। ओए ओए ओ भाई इसके हाथ में देखना ये क्या है, ये देखना जरा क्या पकड़ के लाया, कहाँ से लाया। ओ भाई वो देखो जरा ये बंदा कहाँ से उठा के लाया, पूरा इंसान का ढांचा एक तरीके का, वो देख वहाँ टांग दिया और इसके हाथ में भी ना कुछ इंसान की बाजू है। बाकी कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, भगवान ने क्या लिखा है अपने नसीब में। आज पहला दिन है और पहले दिन के अंदर ही ना हालत टाइट कर दी भगवान ने। सही बताऊँ मतलब कल रात का निकला हूँ, ढंग से सोया नहीं हूँ, ढंग से खाना नहीं खाया और ट्रैवल 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 चले जा रहा। भगवान कह रहा तेरे को बहुत शौक है ना ट्रैवल करने का, तू ले अब तू ले। इस एरिया से ना हमें दिल्ली से ना कहीं पर भी बाहर जाना होता है ना तो हमें यहाँ से ना बसेस लेनी पड़ती है। वैसे अंधेरा है ना तो अभी ना ढंग से ना दिख नहीं रहा, बट मैं एक चीज बता रहा था कि ना मैंने जैसे बहुत हैवी बैग्स उठाए हुए हैं ना, तो मेरे को लग रहा था कि मैं ही अकेला हूँ जो ऐसे हैवी बैग्स उठा के ना कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट यहाँ पे तो हर दूसरे बंदे के हाथ में ना मेरे से भी ज्यादा हैवी बैग्स है। अभी आपको ना जरा दिखाता हूँ, बाकी मैं ना यहाँ पर आया हूँ जिंग बस पे, यहाँ से जरा अपनी ना बस की कन्फर्म बुकिंग करा लें एक बार जरा। तो भाई अभी ना जस्ट अभी एक घंटा ही हुआ है हमारी बस को चले हुए, यहाँ पे डिनर ब्रेक के लिए रुक भी गई है। वैसे मैं तो ना यार दिल्ली से ही डिनर करके आया था। बाकी ये देखो ये अपनी कुछ इस तरीके की बस है, स्मार्ट बस इंटरसिटी, और वैसे बस तो यार बहुत ही बढ़िया वाली है, बहुत कंफर्टेबल बस है, बहुत सही बस है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके अंदर ना स्लीपर वाली सीट्स भी है बट वो थोड़ी सी महंगी है, मैंने नॉर्मल वाली सीट्स ली है बिकॉज भाई अपन बहुत ही नॉर्मल से बजट के अंदर ट्रैवल करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग है जी, और यहाँ पे ना सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं ना बस से उतर गया हूँ, बस से इस करके उतर गया हूँ क्योंकि ना बस जलंधर कैंट स्टेशन के बाहर से निकल रही थी, मैंने सोचा कि यार यहीं उतर जाते हैं और यहाँ से उतर के ना ट्रेन पकड़ लेंगे जम्मू के लिए, और जम्मू से फिर आगे हम बस पे चले जाएंगे श्रीनगर, क्योंकि प्लान अपना जाने का श्रीनगर का ही था। सो इसके चक्कर से ना यार मैं यहाँ उतर गया, मैंने कहा श्रीनगर जाना ही जाना है, अदरवाइज मैं अमृतसर भी जा सकता था। ये सारी गलती और ये सारी चीजें ना इस चक्कर से हुई क्योंकि ना मैं ना निकला ही लेट, कुछ निकला लेट और कुछ ना दिल्ली के अंदर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि जब तक ना मैं बस स्टैंड पहुंचा ना मेरी सारी बसें जम्मू वाली निकल चुकी थी, अदरवाइज मेरे को सीधी बस मिल जाती ना तो यार ये ना लफड़ा नहीं पड़ता। पर चलो कोई चक्कर नहीं है, अपने को ना ट्रेन के अंदर भी ना घूमने फिरने का बहुत मजा आता है। बाकी मैंने ना यहाँ पे जनरल की टिकट ले ली है, बाकी अभी ट्रेन आने वाली है, जैसी ट्रेन आएगी अंदर बैठ के ना टीटी के साथ सेटिंग करेंगे, अगर हमें ना साफ सुथरे डब्बे के अंदर जगह मिल गई तो बैठ के चले जाएंगे, नहीं तो जनरल के डब्बे में बैठ के चले जाएंगे। बाकी अभी मैडम बोलेगी ये ना मेरे को व्लॉग नहीं बनाने देगी। ट्रेन चल पड़ी अपनी, ठीक है, और ट्रेन के अंदर कुछ इस तरीके का माहौल है, सब लोग सोए हुए हैं और आपका भाई भी अब थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे सो जाएगा क्योंकि ना ट्रेन 10:30 बजे पहुँचेगी जम्मू। तो सुबह सुबह नाश्ता मिल गया, पोहा आ गया, पोहा है ना भैया, अरे ये तो पनीर पकौड़ा आ गया यार, ये तो अपने को तो पोहा चाहिए, तो यहाँ से पोहा खाते हैं और उसके बाद ना मस्त वाला सो जाते हैं। यार ये चीज़ देखो ये ना 50 रुपए के इतने सारे पनीर के पकोड़े देकर गए हैं भैया, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। नॉर्मली 40 रुपए का एक पीस मिलता है वैसे ना हमारे दिल्ली शहर के अंदर, बट यहाँ पे 50 रुपए के भाई इतने सारे पनीर के पकोड़े मिल गए, ओए मेरी पार्टी हो गई भाई, मेरी पार्टी हो गई, बहुत सही चीज़ मिल गई अपने को ना खाने के लिए, और इसको खा के ना मज़ा आ जाएगा भाई, सच्ची में मज़ा आएगा भाई। बाहर के नज़ारे और अच्छे से जरा ले लेते हैं, वैसे तो यार बाहर बहुत ठंड है बट फिर भी ना यार यहाँ पे खड़े होके ना एक अलग ही मज़ा आता है। क्यों मैं वैसे ज़्यादा आगे जाऊँगा नहीं,
क्योंकि ना ट्रेन हमारी ना काफी स्पीड में चल रही है, तो इसलिए मैं पंगा नहीं लेना मैंने आगे जाके, बट ऐसे ही आ गया वैसे ही मजे लेने के लिए। चलो यार वापस चलते हैं, ट्रेन ना काफी हिल रही है क्योंकि स्पीड में काफी है, तो रहने देते हैं ठीक है। और भाई क्या हाल है, ठीक है, खुश है, निकल पड़ा तू घर से, अब खुश हो जा। मैं दोबारा से बाहर आ गया यार, एक्चुअली मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था क्योंकि यार यहाँ के ना नज़ारे और ग्रीनरी इतनी सही लग रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बक्की ना ठंड लग रही है गंदी वाली, तो हाथ जो है ना पूरे बर्फ वाले जम रहे हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ ना वहाँ पक्का मेरे को स्नोफॉल मिलने वाली हो। भाई वो देखो सामने देखो माउंटेन्स में तो स्नो ही स्नो है, ओए ओए यहीं से अपने को स्नो दिखनी शुरू हो गई भाई साहब, जबरदस्त। देखो टाइम हो रहा है 9:32 और ना अपने ना मोबाइल के अंदर नेटवर्क चला गया भाई। अब ये कौन बताएगा, ये तो किसी ने बताया नहीं था मेरे को कि जैसे हम जम्मू कश्मीर वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब एंटर होंगे ना तो नेटवर्क चला जाएगा। अब मेरे को लग रहा है कि शायद स्टेशन पे उतर के ना वहाँ से मेरे को दूसरी जम्मू कश्मीर की सिम लेनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा तो प्रीपेड का पोस्टपेड नहीं है और प्रीपेड सिम्स यहाँ पे ना ये लोग सब बातें कर रहे हैं कि प्रीपेड सिम्स है यहाँ पे जम्मू में एंटर होने के बाद नहीं चलती, अगर आपकी बाहर की कहीं की है सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही चलेगी यहाँ पे, तो अपने को ना यार यहाँ पर अब एक सिम लेनी पड़ेगी। ये तो किसी ने बताया ही नहीं था ब्लॉग्स के अंदर अपने। ओए होए चेक करो भाई मौसम कितना ही बढ़िया वाला है, अभी तक ना वैसे धूप बिल्कुल नहीं निकली और यहाँ पे ना टाइम ऑलमोस्ट सुबह के 10:30 बज चुके हैं भाई। आपका ना जम्मू पहुंच गए और पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वाला ना अंदर से खुश है कि यार चलो मैं ना घर से निकला हूँ घूमने के लिए बहुत दिनों के बाद। और ये भी सेटिंग है देखो, एक बैग आगे एक बैग पीछे और मेरे को ना पता नहीं बहुत मजा आ रहा है ट्रैवल करने के अंदर। बाकी अब यहाँ से ना जरा पता करते हैं कि अपुन को कहाँ जा रहा है, भूल ही जाता हूँ, श्रीनगर जाना है यार। यहाँ से मैंने जम्मू वाली सिम डलवा ली है अपने मोबाइल के अंदर, सो देट कि यार हम ना नेटवर्क के अंदर रह सकें, स्टोरियाँ वटोरियाँ डाल लेंगे, स्नैपचैट चला लेंगे, इंस्टा पे थोड़ी रील डाल लेंगे, यही वाला सीन है। बाकी भैया जी यहाँ पे पूरी पेन ले रहे हैं और पेन लेके फोन को चालू करके दे रहे हैं, ठीक बात है, सही है सर। बाकी ना मेरे को अभी जस्ट पता लगा है कि यहाँ से ना एक बस अड्डा है जो यहाँ से ना 2.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना है और वहाँ तक जाके वहाँ से मेरे को ना बस मिलेगी उधमपुर, पता नहीं यार देखते हैं कहाँ की मिलेगी, बट जो भी मिलेगी ना आपको बताता हूँ ठीक है। तो यहाँ से बस लेनी है और हमने जाना है बस अड्डे तक। ये देखो जी ये मैंने ना बैग ऊपर रख दिया अपना इस बस के अंदर और ये बस करी है, बस मतलब करी नहीं है, बस में टिकट ले ली है 20 रुपये की जो मेरे को यहाँ से ना 3 किलोमीटर दूर बस अड्डा है वहाँ तक छोड़ेगी, फिर वहाँ से हम दूसरी बस पकड़ के बनिहाल जाएंगे और जैसे भी होगा आपको बताते रहेंगे एक एक करके, और साथ में ना मेरे को भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे कैसे हम ना कैसे कैसे श्रीनगर जा रहे हैं। देखो मैं जाने को ना अपनी व्हीकल पे भी जा सकता था, थोड़े पैसे और खर्च करता तो उड़ के भी चला जाता वन शॉट में, बट यार उन सब चीज़ों का ना ये वाला मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसे बैग उठा के कभी बस पकड़ रहा हूँ, कभी ट्रेन पकड़ रहा हूँ, फिर दोबारा से बस पकड़ ली, कभी ऑटो पकड़ लिया, मतलब अभी आगे एक ट्रेन और पकड़ेंगे तो उसके अंदर और मज़ा आएगा, तो आप सारी चीज़ें देखना ठीक है। और ये अपनी बस में वैसे भरी गई है, हाँ शू लेसेस बंद करते हैं, भर गई यार चलो चलिए ना काटा ले चलो ठीक है मैं जाके सामने बैठ जाऊँगा फिर, भाई हो जा आगे थोड़ा सा तेरे साथ बैठ दें, हम बैठ दें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, चल ठीक है बैठते हैं भाई यहीं पर ही, जगह तो बड़ी टाइट है यार मैं तो मोटा आदमी हूँ बैठ नहीं पाऊंगा, इसके साथ उस्ताद जी चलो, हाँ चलो यार देर हो रही है बहुत ज्यादा, देर हो गई है चलो <उन। laughs> भाई बहुत देर लग रही है, बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, चलो फाइनली आ ही गए। मैं ना यार यहाँ पे आया था बस स्टॉप पे बस लेने के लिए बनिहाल के लिए, शुरू से है कि मैंने बनिहाल जाना है ठीक है, ट्रेन जर्नी करनी है क्योंकि ट्रेन जर्नी ना मेरे को ना यूट्यूब पे जो मैंने लोगों की देखी ना मेरे को बड़ी सही लगी, सो ये वाला मेरा सीन था। बट यार ये ना बट ये बसेस बहुत लेट पहुंचा रही है, वो भी बनिहाल तक नहीं पहुंचा रही, बनिहाल से पहले कोई स्टेशन है कोई जगह है मैं नाम भूल गया यार उसका, तो वहाँ तक पहुंचा रही है तो मतलब ना जिस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं ना भाई मैं तो ना रात तक बनिहाल नहीं पहुँच पाऊंगा यार, मैं ना रात तक तो ना वेट कर ही नहीं सकता क्योंकि रात को अगर मैं बनिहाल पहुंचूंगा तो मैं श्रीनगर कब पहुंचूंगा, क्योंकि ना बनिहाल से लास्ट ट्रेन 5:30 निकलती है श्रीनगर के लिए, और अगर उसके बाद मैं अगर पहुंचा 5:30 के बाद
तो मेरे को ना सारी रात आज ना बनिहाल ही रुकना पड़ेगा और कल सुबह निकलूँगा। और आज वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होनी है, तो सीन चेंज है यहाँ पर, चल के ना कुछ और पता करते हैं ज़रा एक बारी। सो यार फाइनली ना मैंने कैब कर ली है, कैब के अंदर बैठ गया हूँ आके चुपचाप से, अभी श्रीनगर जा रहा हूँ। कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे, जब भी टाइम मिलेगा ना बनिहाल ट्रेन जर्नी करने के लिए वैसे चले जाएंगे। बट अभी का सीन ये है कि मैं लेट हो चुका हूँ, घर से ही लेट निकला हूँ और सारे काम ना स्लोली स्लोली करके ना लेट होते जा रहे हैं, क्योंकि यार नॉलेज की थोड़ी सी ना कमी थी, तो यही वजह से ना अब मेरे को ये कैब करनी पड़ गई है। अदरवाइज मैं ना बस पे जाता, बस निकली है यहाँ से 11 बजे, जिस बस पे मैं स्टेशन से यहाँ तक आया हूँ ना उस बस ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया है। अगर वो मेरे को पहले यहाँ पे ले आती ना 11 बजे से पहले पहले, तो मेरे को यहाँ से ना बस मिल जाती और आपका भाई आराम से यहाँ से बस में बैठ के बनिहाल पहुँचता, बनिहाल से ट्रेन में बैठ के श्रीनगर पहुँचता, ये वाला सीन था। बट ये अपना सारा का सारा सीन ना चौपट हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, ये भी ट्रैवलिंग के अंदर ये जो सारे फड्डे होते हैं ना इसी के अंदर एक अपना मज़ा है। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ? हाँ ठीक। तो यही वाला सीन है, पीछे वाली सीट मिली है, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ के बाहर के नज़ारे लेंगे जितने हो सकेंगे। भाई पीछे वाली सीट पे बैठा था पहले मैं, अब मैं बात करके ना 100 रुपये फालतू देके ना आगे आ गया हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ बैठेंगे आराम से सिंगल सीट पे, है ना कम्फर्टेबली। पीछे बैठता तो तीन तीन बंदे चिपक के बैठते, ऊपर से ना गाड़ी ऐसे घुमाती हुई मेरे को लेके जाती, और वैसे भी सुबह का कुछ खाया नहीं है तो ना जी ख़राब हो जाता, तो इसके चक्कर से ना मैं आगे आके बैठ गया। मैंने कहा आगे बैठते हैं और अच्छे से नज़ारे ना लेंगे भी, और आपको भी ना यहाँ बैठ के नज़ारे आपको ना। भाई इसके हाथ में देखना ये क्या है, ये देखना जरा क्या पकड़ के लाया, कहाँ से लाया। ओ भाई वो देखो जरा, ये बंदा कहाँ से उठा के लाया, पूरा इंसान का ढांचा एक तरीके का, वो देख वहाँ टांग दिया, और इसके हाथ में भी ना कुछ इंसान की बाजू है, नहीं लात है ये। ओ भाई क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ थी ये, बर्फ है आगे। कोई बात नहीं, अब बर्फ के मजे तो लेने आए हम यहाँ पे। अभी हमने पीछे जो एक आदमी का हड्डियों का ढांचा देखा था ना, उसकी स्टोरी ना कुछ गलत ही थी, बट उसके बारे में ना मैं अपने ब्लॉग में शेयर नहीं करूंगा, मेरे को मेरे ड्राइवर भैया ने बता दिया था। बट चलो छोड़ो, आप ना सामने का यार एक बारी व्यू एंजॉय करो, हमने ना यहाँ जाना है अभियान जी, बेसिकली अपने ना हमने बिल्कुल इसी जगह पे जाना है। और वैसे सुनने में आ रहा है कि ना यार श्रीनगर के अंदर स्नोफॉल हो रही है आज और कल दोनों दिन है, तो मतलब मे बी हम अपने ब्लॉग के अंदर आज आपको स्नोफॉल दिखाएंगे। हाँ जी, बाकी यार यहाँ पे रुके हैं, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक है, और यहाँ पे ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो कुछ खाने के लिए रुके हैं और वॉशरूम के लिए रुके हैं। मेरे को तो यार अभी कुछ ज़्यादा खाना नहीं है, मतलब मन नहीं है, फिर भी चल के देख लेते हैं। यार वहाँ से तो मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं था हैवी खाने का, जस्ट यहाँ से ना मैंने 2-3 केले ले लिए, एक केला ये रहा, एक दो खा के फेंक दिए वहाँ पे, तो मैंने कहा आज ना अभी थोड़ी देर सिर्फ केला ही खाऊंगा और कुछ खाने का मन है नहीं, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा, पेट भरा भरा सा है जबकि कुछ इतना खाया भी नहीं है, बट अभी ना किसी से काम चलाएंगे। ज़बरदस्त भाई साहब क्या नज़ारा है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, ठीक है दोबारा से छोटा सा एक वैष्णो वाला ब्रेक हुआ है, क्योंकि लास्ट वाली जगह पे जहाँ पे रुके थे ना यार वो जगह ना नॉनवेज वाली जगह थी, मैंने वहाँ पर इस चक्कर से कुछ खाया नहीं है, तो अब थोड़ी सी भूख लग गई है। बाकी यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके राजमा चावल खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना लिखा हुआ है देखो स्पेशल इन राजमा चावल देसी घी वाले, तो भाई यही खाने वाला हूँ, ठीक है। ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है ये वाली, ठीक है, और ये भाई साहब बहुत लंबा वाला ना ट्रैफिक जाम हो गया है, ठीक है इस रास्ते में ट्रैफिक जाम होता ही होता है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, डेवलपिंग एरिया है यहाँ पे ना, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रहती है और साथ के साथ ना बहुत सारे टनल्स वगैरह भी बन रहे हैं, ये चेक कर रहे हो, ये देखो यहाँ पर एक काम चल रहा है जोरों शोरों से, बट आगे भैया ट्रैफिक जाम हुआ है और लोग उतर उतर के अपना फोटो शूट करा रहे हैं, सही है हम भी आके अपनी वीडियो बना रहे हैं। बाकी चारों तरफ ना ऊपर बर्फ गिरी हुई है, बर्फ यहाँ पर भी होगी बट अभी दिख नहीं रही है, देखो आपको दिखाता हूँ, ये देख कर रहे हो ये नीचे वाइट ये बर्फ ही है, और ये बिल्कुल ताज़ी बर्फ गिरी हुई है, ये देखो कितनी दूर से दिख रहा है हमारे को ये ट्रैफिक जाम। ये देखो भाई साहब
पूरा यहाँ से यहाँ तक, और आगे अभी पता नहीं कितना किलोमीटर लंबा। ट्रैफिक तो यार खत्म ही नहीं हो रहा, ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना कि ऐसे लग रहा है कि रात के ना 1 बजेंगे 2 बजेंगे। भाई साहब बहुत ज्यादा वाला ट्रैफिक जाम है, और इतना ट्रैफिक ऐसे वाला ट्रैफिक है कि ना ये गाड़ी ना मतलब ढंग से चल ही नहीं रही। भाई बर्फ गिरी हुई है, देखो ये बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, भाई देख ले बर्फ ये देख। आज तो यार हैप्पी बर्थडे हो गया एक्चुअली में, देखो ट्रैफिक ना खत्म ही नहीं होने पा रहा, थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ा सा चलता है फिर रुक जाता है, ये देख रहे हो यार, ये देखो यार बहुत दूर तक है ट्रैफिक, पहाड़ों में ना लाइट कम है ना इस करके पता भी नहीं लगेगा, ब्लॉग भी नहीं बनेगा, और बहुत पीछे से आ रहे हैं हम लोग यार, और मेरे ख्याल से ना शाम के 4 बजे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और अभी ना टाइम हो रहा है देखो यहाँ पे 8:30, और यहाँ से भी 4 घंटे दूर है श्रीनगर, आज तो गए भाई। और अभी एक चीज़ और बताऊँ, अभी ना इस टाइम पे ना टेम्परेचर भी ना माइनस में जा रहा है, और हल्की हल्की सी ना बारिश भी हो रही है, और बीच बीच में ना बर्फ़ भी गिरती है, बट मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भैया अंधेरा बहुत है, लाइट है नहीं है, कैसे दिखाएं है ना, तो यही वाली बात है, बाकी कोई नहीं देखते हैं क्या होता है, भगवान ने क्या लिखा है अपने नसीब में। आज पहला दिन है और पहले दिन के अंदर ही ना हालत टाइट कर दी भगवान ने, सही बताऊँ मतलब कल रात का निकला हूँ, ढंग से सोया नहीं हूँ, ढंग से खाना नहीं खाया, और ट्रैवल 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 चले जा रहा है, भगवान कह रहा है तेरे को बहुत शौक है ना ट्रैवल करने का, तू ले अब तू ले, तो वही चीज़ हो रही है, बट कोई बात नहीं है, अपने को मज़ा आ रहा है। भाई भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली, मैंने सोचा कि ये दुकान खुली हुई है यहाँ से ना कुछ मिल जाएगा खाने को, और पीने के लिए पानी की बोतल मिल जाएगी, बट पीने के लिए पानी की बोतल भी नहीं मिली है, इसकी बजाय मैंने सोडा लिया है, पानी की बोतल भैया के पास ख़त्म हो गई है, कह रहे हैं भैया आज बहुत काम था और ट्रैफिक जाम हुआ है तो सारी पानी की बोतलें ख़त्म हो गई, अब कल आएंगी, मैं कहा भाई हो गया काम, बट कोई नहीं सोडा लिया है, सोडे से आज काम चलाएंगे, और रात के अभी 8:30 हो रहे हैं, भूख लग रही है। और ये देखो कुछ ऐसी स्टेयर्स हैं बड़ी डेंजरस वाली है, देखने में पता नहीं वीडियो में कैसे लग रही है, बट बड़ी खड़ी सी थोड़ी ना कच्ची कच्ची सी स्टेयर्स है, तो आराम आराम से नीचे उतरते हैं, चलते हैं नीचे। ये देखो ना कल वाले ब्लॉग को आज खत्म करते हैं, एक्चुअली मैं कल रात को यार बहुत ज्यादा वाली देर हो गई थी, और अब और ना मैं सच्ची बताऊं तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि ना मैंने किसी को डिमोटिवेट नहीं करना था कि मैं कहाँ फंस गया, कैसे मैंने मतलब कितनी मुश्किल से मैंने ना ये जगह ढूंढी और यहाँ मैं पहुंचा, रीजन पता है क्या कि क्यों मैं फंस गया था और क्या सारी चीजें हो रही थी, ये देखो। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, अभी ना जैसा भी मौसम है मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, वो आपको मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर देखने को मिल जाएगा, बट फिर भी यार एक बारी जरा बाहर का नज़ारा ना आप हमारे इस वाले ब्लॉग में देख ही लो, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं आपको बर्फ़ दिखाऊंगा, ओ भाई चेक कर रहे हो, ये देखो जरा ये देखो क्या बात है, इन सारी चीज़ों के सिनेमेटिक आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू और आप सबका थैंक यू है, और अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है फटाफट से वीडियो को ना लाइक कर देना, और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, चलो बाय।